हाय गाइस, आज हमें पढ़ना है सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। दोस्तों, लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मुझे ये सीरीज़ कंप्लीट करने के लिए आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। तो आइए शुरू करते हैं सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। जैसा कि हमने रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स के केस में देखा है कि हम उनको सीरीज और पैरेलल में जोड़ सकते हैं, वैसे ही हम सेल्स को भी सीरीज और पैरेलल में जोड़ सकते हैं। और वही चीज़ हमें करनी है जो हमने रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स के केस में करी थी। हमें एक इक्विवेलेंट सेल ढूंढना होगा। ठीक है, मान लीजिए ये एक सेल है जिसकी ईएमएफ है E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस है R1। वो हमने जोड़ रखा है एक दूसरे सेल से इन सीरीज, जिसकी रेजिस्टेंस है E2, इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। ठीक है, तो हमें इस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के लिए एक इक्विवेलेंट सेल ढूंढना है। ठीक है, अब इक्विवेलेंट सेल का मतलब क्या? इक्विवेलेंट सेल का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर हम इन दो पॉइंट्स ए और बी पॉइंट्स के बीच में ये दो सेल हटा के कोई एक सिंगल सेल लगा दें। ठीक है, जिसकी वजह से EEQ REQ, ठीक है, एक सिंगल इक्विवेलेंट सेल लगा दें जिसकी वजह से सेम करंट और सेम पोटेंशियल डिफरेंस हमें ए और बी के बीच में देखने को मिले, तो उसको कहेंगे कि हमने एक इक्विवेलेंट सेल ढूंढ लिया है फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ E1 एंड E2। आइए हम निकालते हैं इस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के लिए एक इक्विवेलेंट सेल की वैल्यू। पहले मैं समझा देता हूं करेंगे कैसे, फिर लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, हमें क्या करना है कि पहले इस सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, फिर इस सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। दोनों पोटेंशियल डिफरेंस को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, वही पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए हमारा इस इक्विवेलेंट सेल के अक्रॉस, है कि नहीं? क्योंकि हमने क्या किया है, पॉइंट ए और बी के बीच में ये दोनों सेल हटा के ये इक्विवेलेंट सेल लगा दिया है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों सेल्स की वजह से ए और बी के बीच में क्रिएट हो रहा है, वही तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्विवेलेंट सेल की वजह से पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल है, पहले आप निकालोगे V2 जो कि पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस सेल 2, फिर निकालोगे V1 जो कि पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस सेल 1, फिर करोगे V1 + V2। ठीक है, वो आएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, वही होना चाहिए आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इक्विवेलेंट सेल। ठीक है, आपको ये करना है, इससे आपको मिल जाएगी इक्विवेलेंट सेल की ईएमएफ और इक्विवेलेंट सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आइए इसको कंटिन्यू करते हैं। देखो, हमने अज्यूम किया है कि कोई करंट आई फ्लो कर रहा है इस सर्किट में फ्रॉम B2 पॉइंट A। ठीक है, तो V2 की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों? पिछले वीडियो में मैं आपको समझा चुका हूं, अगर हमें V2 की वैल्यू निकालनी है गिवन दैट करंट आई फ्लो कर रहा है, तो V2 की वैल्यू आएगी E2 - IR2। आई होप मेरे को ये समझाने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली V1 की वैल्यू कितनी आएगी? V1 की वैल्यू आएगी E1 - IR1। ठीक है, तो VAB की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, वो आएगी V1 + V2। ठीक है, इस सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इस सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, वो आ गई आपके पास E1
प्लस ई टू प्लस आई टाइम्स, सॉरी माइनस होगा ये, माइनस आई टाइम्स आर वन प्लस आर टू. मैंने बस ये इक्वेशंस ऐड कर दी हैं दो, ठीक है. यहां पे ये आ गई आपकी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है. वही पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए इस इक्विवेलेंट सेल के अक्रॉस फॉर द सेम करंट आई, ठीक है, फॉर द सेम करंट. अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होगा? वी ई क्यू इज इक्वल टू ई ई क्यू माइनस आई टाइम्स आर ई क्यू, ठीक है. तो आप इसको, इस टर्म को, वी ए बी को इसके इक्वल कर सकते हो, है ना. तो बस आप इसको इक्वेट कर दो इन दो इक्वेशंस को. ई ई क्यू इज इक्वल टू ई वन, सॉरी आर ई क्यू इज इक्वल टू ई वन प्लस ई टू माइनस आई आर वन प्लस आर टू, ठीक है. आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा. तो इससे बाय कंपैरिजन आप निकाल लोगे कि ई ई क्यू इज इक्वल टू ई वन प्लस ई टू, आर ई क्यू इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, ठीक है ना. ये बस कंपेयर करनी है दो इक्वेशन. देखो ई ई क्यू के लिए ये टर्म हो गई, आई टाइम्स आर ई क्यू के लिए ये टर्म हो गई, तो आर ई क्यू आ गया आर वन प्लस आर टू. आई होप आप ये समझ गए होंगे. और ये तो था दो सेल के लिए. अगर n नंबर ऑफ सेल्स हो तो भी हम सिमिलरली प्रूव कर सकते हैं, और करते करते e n तक चला जाएगा. वैसे ही रेजिस्टेंस भी करते करते r n तक चली जाएगी, ठीक है. सिंपल सा है. एक और इसमें एक ट्विस्ट है कि अगर मान लो एक सेल जो होता उसका डायरेक्शन ऑपोजिट होता, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल ना होके उल्टा लगा होता, ये नेगेटिव टर्मिनल होता और ये पॉजिटिव टर्मिनल होता, ठीक है, उल्टा लगा होता, तो क्या होता? तो कुछ नहीं दोस्तों, बस सिंपली E2 की जगह प्लस E2 की जगह माइनस E2 आ जाता. ध्यान देने वाली बात है कि रेजिस्टेंस के साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है. तो ये हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट सेल की ईएमएफ और इक्विवेलेंट सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला. दोस्तों अब हमें कॉम्प्लिकेटेड केस डिस्कस करना है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन पैरेलल का, ठीक है. उसके लिए मैंने पूरी डेरिवेशन जो है ऑलरेडी बोर्ड पे लिख दी है, क्योंकि समझाते समझाते थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो मैं नहीं चाह रहा था कि आपका ध्यान भटके. यहां देखो क्या करना है. मान लीजिए ये पॉइंट्स ए और बी के बीच में हमने दो सेल्स लगा रखे हैं पैरेलल में, सेल वन सेल टू. सेल वन की ई एम एफ है ई वन, इंटरनल रेजिस्टेंस है आर वन. सेल टू की ई एम एफ है ई टू, इंटरनल रेजिस्टेंस है आर टू, ठीक है. अब हमें इन दोनों सेल्स को रिप्लेस करना है एक किसी सिंगल ऐसे सेल से जिसको हम इक्विवेलेंट सेल बुलाएंगे, सच दैट करंट फ्लोइंग बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ठीक है, वो भी सेम रहे, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी वो भी सेम रहे, ठीक है. ऐसे एक सिंगल सेल की इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस हमें निकालनी है, ठीक है. तो सबसे पहले तो ये समझो कि क्योंकि ये जो सेल्स हैं सेल वन और सेल टू वो ए और बी के बीच में पैरेलली जुड़े हुए हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल वन वुड बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल टू, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पैरेलली जुड़े हुए हैं, ठीक है ना. इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम है, तो इन दोनों सेल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा, ठीक है. और डायग्राम से हमें यह भी पता चल रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस इन सेल के अक्रॉस है वही पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट ए और बी के अक्रॉस है, ठीक है. तो हम ये लिख सकते हैं वी वन इक्वल टू वी टू इज इक्वल टू वी ए बी, ठीक है. एक इक्वेशन आप ये याद रखना, ठीक है. और सिमिलरली इस डायग्राम में, इक्विवेलेंट सेल के डायग्राम में, हम ये लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी.
हम ये लिख सकते हैं वी ई क्यू इज इक्वल टू वी ए बी, ठीक है, वी ए बी वी ए बी। ये बात आपको क्लियर हो गई हो तो आप शुरू करते हैं इसका डेरिवेशन। ठीक है, सबसे पहले तो आप वी वन का फॉर्मूला लिखोगे। ठीक है, आपको ये बात ध्यान में रखनी है दोस्तों इस डायग्राम में कि बी से तो करंट आई शुरू होता है, ठीक है, लेकिन इस जंक्शन पे आगे ना जहां से ये दोनों सेल्स पैरेलली जुड़े हुए हैं, ये जो करंट है वो स्प्लिट कर जाएगा। ठीक है, स्प्लिट कर जाएगा इस सर्किट की दो ब्रांचेस में, सच दैट एक ब्रांच में आई वन करंट जा रहा है और दूसरी ब्रांच में आई टू करंट जा रहा है। ठीक है, हम आई वन आई टू और आई के बीच में ये फॉर्मूला लिख सकते हैं कि टोटल करंट इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू। ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई आपकी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहले सेल वन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लिखोगे। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल वन कितना है, ई वन माइनस आई वन आर वन। ठीक है, ये याद रखना ये आई वन है, ये आई नहीं है, ये आई नहीं है, ये आई वन है, आई वन आर वन। ठीक है, सिमिलरली वी टू के सेल टू के अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लिखोगे, ई टू माइनस आई टू आर टू। ये याद रखना ये आई टू है, आई टोटल नहीं है। ठीक है, ई टू माइनस आई टू आर टू। ठीक है, और इक्विवेलेंट सेल के अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लिखोगे, वी ई क्यू इज इक्वल टू ई ई क्यू माइनस आई आर ई क्यू। अब याद रखने वाली बात है कि ये इक्विवेलेंट सेल के अक्रॉस जो करंट है वो आई टोटल के बराबर है। ठीक है, ये आई टोटल सेम है। ठीक है, ई इक्विवेलेंट माइनस आई टोटल आर इक्विवेलेंट। ठीक है, आपकी ये फॉर्मूले आ गए। अब आपको देखना, ये डेरिवेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है तो रटनी ही पड़ेगी, मैं बता रहा हूं क्या कर रहे हैं हम इसमें। ठीक है, हमने सबसे पहले लिखा वी वन का फॉर्मूला, इधर वी वन ई वन माइनस आई वन आर वन, वो वही फॉर्मूला हमने यहां लिखा है, ई वन माइनस आई वन आर वन वी वन का फॉर्मूला है। ठीक है, और फिर उसको कहा वी वन इज इक्वल टू वी ए बी। ठीक है, ई वन माइनस आई वन आर वन इज इक्वल टू वी ए बी, वी वन इज इक्वल टू वी ए बी करा। ठीक है, अब वी ए बी की टर्म्स में आई वन की वैल्यू निकालना है हमें। ठीक है, तो हमने लिख दिया आई वन इज इक्वल टू ई वन माइनस वी ए बी डिवाइडेड बाय आर वन। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं क्या किया है, वी वन का फॉर्मूला लिखा है, ये ई वन माइनस आई वन आर वन, इक्वेट किया है फिर वी वन को वी ए बी से, वी वन इज इक्वल टू वी ए बी। ठीक है, अब ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है, उसमें हमने आई वन को लिखा है, आई वन को यानी कि ये वाले करंट को, आई वन को वी ए बी की टर्म्स में। ठीक है, आई वन इज इक्वल टू ई वन माइनस वी ए बी डिवाइडेड बाय आर वन। क्लियर, सिमिलरली वी टू का फॉर्मूला लिखेंगे, वी टू का फॉर्मूला लिख देंगे ई टू माइनस आई टू आर टू, ये ई टू माइनस आई टू आर टू। ठीक है, उसको भी हम इक्वेट कर देंगे वी ए बी से, वी टू इज इक्वल टू वी ए बी, ई टू माइनस आर टू आई टू आर टू इज इक्वल टू वी ए बी। क्लियर, फिर से आई टू को यानी ये वाले करंट को हम लिख देंगे वी ए बी की टर्म्स में, आई टू इज इक्वल इसी इक्वेशन की मदद से। ठीक है, आई टू इज इक्वल टू ई टू माइनस वी ए बी बाय आर टू। ठीक है, दिख रहा है ना कि ये I2 is equal to E2 minus VAB by R2 इस इक्वेशन से कैसे डिराइव होता है, इस इक्वेशन से ये कैसे आया, ये आपको समझ आ रहा है ना, ये सिंपल मैथ्स है, मैं ये करके नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, अब क्या करना है, हमें I1 की वैल्यू पता है, I2 की वैल्यू पता है। ठीक है, हम ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, I is equal to I1 plus I2। ठीक है, I इज इक्वल टू आई वन, ये देखो ये I1 का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है, I1 प्लस I इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, देखो ये I2 है, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है ना, तो I इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, ये किया। अब क्या करना है, सुनो,
हमें वी ए बी, यहां पे भी वी ए बी है, यहां पे भी वी ए बी है, वी ए बी को आई की टर्म्स में लिखना है, ठीक है। मतलब कि फाइनली हमें वी ए बी इस साइड में चाहिए और आई जो है वो इस साइड आ जाए, ठीक है। आई अभी लेफ्ट हैंड साइड पे है, वी ए बी जो है वो राइट हैंड साइड पे है। अब हमें वी ए बी को अकेला लेफ्ट हैंड साइड पे लाना है और आई को राइट हैंड साइड पे लाना है किसी कॉम्बिनेशन के साथ, ठीक है। अब ये जो पूरी इक्वेशन है उसको आप सिंप्लीफाई करोगे, ये मैंने सिंप्लीफिकेशन लिखा है, ये आप खुद पढ़ लो, कुछ नहीं है, कॉमन डिनोमिनेटर लिया है आर वन आर आर टू का, आर टू को यहां मल्टीप्लाई किया, आर वन को इधर मल्टीप्लाई किया, कॉमन डिनोमिनेटर आएगा और सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन आएगी, वी ए बी इज इक्वल टू आर टू ई वन प्लस आर वन ई टू डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू माइनस आई आर वन आर टू डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, मैं ये पूरा ऊपर का मिटाऊंगा, ये इक्वेशन दोबारा बड़े में लिख दूंगा, ठीक है। हमारे पास ये इक्वेशन आई है, ठीक है दोस्तों। आप थोड़ा अगर रिवर्स जाओगे वीडियो में तो मैंने ये भी लिखा हुआ है, V इक्विवेलेंट यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इक्विवेलेंट सेल इज इक्वल टू वी ए बी, ठीक है। अगर हम ये हटा दे तो इक्वालिटी ये रह जाएगी, V इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दिस, ठीक है। आप पीछे थोड़ा रिवर्स जाके देख सकते हो, ये मैंने इक्वेशन लिखी हुई थी और समझाया भी था और डायग्राम से भी आपको क्लियरली समझ आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में क्या होगा। ए है, बी है, ये इक्विवेलेंट सेल है आपका, ई ई क्यू और आर ई क्यू, है ना। तो वी ए बी इज इक्वल टू वी ई क्यू बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है इस डायग्राम में ही, ठीक है। तो वी ई क्यू लिख सकते हो आप आर टू ई वन प्लस आर वन ई टू अपॉन आर वन प्लस आर टू माइनस आई आर वन आर टू डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। देखो वी क्यू की एक और इक्वेशन लिखी थी हमने, थोड़ा रिवर्स जाके देखोगे वीडियो में तो पता चलेगा, या इसी डायग्राम से देखो, ठीक है। वो है ई ई क्यू माइनस आई आर ई क्यू, इस डायग्राम से दिखाई दे रहा है ना कि अगर करंट आई फ्लो कर रहा हो तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इक्विवेलेंट सेल क्या आएगा, ई ई क्यू माइनस आई आर ई क्यू, ठीक है। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को आपको कंपेयर करना है, ये इक्वेशन को और ये वर्ड इक्वेशन को, ठीक है। आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा ये वाली जो टर्म है वो इसके कंपेरेबल है और ये वाली जो टर्म है वो इसके कंपेरेबल है, ठीक है। हम ऐसा लिख सकते हैं ई क्यू इज इक्वल टू आर टू ई वन प्लस आर वन ई टू डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू, आर ई क्यू इज इक्वल टू आर वन आर टू डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है कि अगर आप दो सेल को लगाओगे पैरेलल में तो इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगी इतनी और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आएगी इतनी, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में एक सिंप्लीफाइड, सॉरी ये मैंने मिटा दिया, ये मैं मिटाने ही वाला था वैसे भी, आपकी एनसीईआरटी में एक और सिंप्लीफाइड फॉर्म दिया हुआ है, उसका डेरिवेशन जरूरी नहीं है, बस याद कर लेना। अगर सेल पैरेलल में लगे हो तो आप ऐसा लिख सकते हो कि ई ई क्यू बाय आर ई क्यू इज इक्वल टू ई वन बाय आर वन, जहां पे ई वन ई एम एफ है सेल वन की, आर वन है इंटरनल रेजिस्टेंस सेल वन की, और ई टू बाय आर टू जहां पे ई एम एफ सेल टू की है ई टू और इंटरनल रेजिस्टेंस है आर टू, ठीक है। और अगर एन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स लगे हो, सेल्स लगे हो, तो ई एन आर एन तक ये सीरीज चलती जाएगी,
वैसे ही इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू बाय आर एन तक ये सीरीज कंटिन्यू कर सकती है, ठीक है। तो ये आपके फॉर्मूले डिराइव हो गए फॉर सेल्स इन पैरेलल के लिए, ठीक है। दोस्तों अभी हमने सिंपल केस डिस्कस किया था जहां पे दोनों सेल्स जो थे वो एक ही डायरेक्शन में लगे हुए थे, ठीक है। अगर मान लो एक सेल का डायरेक्शन जो है वो ऐसा पॉजिटिव ना होके नेगेटिव हो जाए, मतलब एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरे सेल का नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा हो, अगर उल्टा हो जाए तो क्या करेंगे? कुछ नहीं है, सिंपल। मान लो अगर ये E2 सेल सेल 2 होता तो उस सेल की जगह आप एक माइनस साइन लगा देना, ठीक है। ध्यान देना रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आई होप ये डेरिवेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अगले वीडियो में हम करेंगे किरचॉफ्स लॉज, ठीक है।